समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता ने कहा कि हरदोई अनिकेत गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता जो कि मोहल्या सिंहपार उमेश पांडे की दोनों पत्तल फैक्ट्री में कार्य करता था जिसकी हत्या कर दी जाती है। मृतक के पिता द्वारा कई बार कार्यवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इस पूरे मामले में। वहीं पीड़ित पक्ष दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 5 अक्टूबर 2019 को अनिकेत गुप्ता शराब सुभाष गुप्ता न्यू सिविल लाइन इनके बेटे की हत्या कर दी जाती है। अभी आज तक लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना पुलिस उस पर कोई कार्रवाई कर रही है, जबकि उल्टा पुलिस रामचंद्र परिवार को, अनिकेत गुप्ता के पिताजी को, इनको सबको परेशान कर रही है, इनको न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं, मांग कर रहे हैं कि इनके परिवार को न्याय दिलाया जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और शनिवार दोपहर अमित गुप्ता शनाप राधानगर विभूति नगर निवासी उनकी प्याली क्षेत्र में हत्या कर दी जाती है, उसके लिए एसपी साहब से मांग करते हैं कि जो भी उसमें आरोपी हो जल्द जल्द जेल भेजा जाए, उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की। अगर सुनवाई नहीं तो आगे क्या करेंगे? अगर सुनवाई नहीं होती तो हम समाजवादी लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे।